उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तहसीलों में इन दिनों संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की अमेठी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधीश अरुण कुमार ने की। इस कार्यक्रम में कुल 108 शिकायतों का निवारण किया गया। इसके अलावा कार्य में अनियमितता बरतने के चक्कर में लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा संपूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित पाए गए 28 अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए अमेठी से इस पर हमारे ब्यूरो चीफ आशीष सिंह की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सूरत है। हाँ जो क्या नाम है? मेरा नाम राम सूरत है। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम अमरपुर धोई। अच्छा, क्या समस्या लेके आज समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के पास आ पाए थे? मैं ये समस्या लेके आया हूँ कि मेरा घर कच्चा है, गिर पड़ रहा है, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हाँ, इसलिए आया हूँ। तो आप आवास पाए थे, प्रधानमंत्री आवास पाए थे? नहीं मिला हुआ। नहीं मिला है? नहीं मिला हुआ। तो ग्राम प्रधान कौन है आपके यहाँ? ग्राम प्रधान कौन है आपके यहाँ? संगीता पाल। तो क्या हुआ, उनसे आपने अपनी बात समस्या बताई? हाँ, बहुत पहले बताया गया है। हाँ, बाकी वो सुनते नहीं। क्या कह रही हैं? बस कहते हैं हो जाएगा। अच्छा। इलेक्शन पे बहुत दौड़ रहे थे। हाँ, कि हाँ आपका घर कच्चा नहीं रहेगा, लेकिन अभी इतना दिन हो गया, पिछला भी बीत चुका, कुछ ही नहीं किया। मतलब आपको आवास नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया गया। ठीक, क्या शिकायत की, क्या है पूरा मामला? मेरा यही मामला है, पूरे गांव वाले मिलकर नए रास्ते का निर्माण कर रहे हैं जबरदस्ती। किस गांव का मामला है? कालू तिवारी पुरवा। अच्छा। जबरदस्ती ये लोग कह रहे हैं गांव वाले कि हम जबरदस्ती रास्ता ले जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं, हम सिर्फ लेडीज हैं बस, फिर भी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने ही पैसे से ईंट गिरवाए हैं और जबरदस्ती हमारा पेड़ पौधा सब कटवा दिए, हम घर में नहीं थे उस टाइम, और पानी का बहाव भी रोक रहे हैं, मेरे ही द्वार पे कर रहे हैं, जबरदस्ती माटी गिरवा दिए हैं ऊंचा टाइप में। यही सब समस्या है, आज हम यहाँ डीएम साहब के पास लेके आए थे। तो आपने डीएम साहब से शिकायत की, क्या आश्वासन मिला है? यही बोले हैं कि थोड़ी देर में कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मेरे इसके पहले डीएम जिलाधिकारी से पहले आपने कहीं शिकायत की थी इसकी? कहाँ पे? एसडीएम साहब से। और उन्होंने फिर कानून को और लेखपाल को भेजा था। तो फिर क्या हुआ उसमें? उन्होंने जाके वहाँ पैसा खा के चले आए। अच्छा। कोई समस्या का समाधान नहीं, बोले आपस में समझौता कर लो। वो लोग आपस में समझौता करने के लिए राजी नहीं है, जबरदस्ती काम कर रहे हैं। यही हमारी समस्या है। और मुकेश तिवारी, राम प्रकाश तिवारी ने बोला हम तुम्हारा मड़हा फूंक देंगे, तुम्हारा दीवार गिरा देंगे, जबरदस्ती रास्ते का निर्माण करेंगे। यही सब समस्या। थाने में कोई बताया नहीं थी? थाने में दिए थे एप्लीकेशन। कितने दिन पहले? सुनवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले? 2 हफ्ता हो गया। इस पे कुछ कार्रवाई हुई नहीं? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो लोग वहाँ जाके पैसा दे रहे हैं, हम गरीब इंसान पैसा नहीं दे रहे, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पे। क्या नाम है आपका? राजेश। आग निवासी है? नेवड़िया। थाना कौन सा है? क्या मामला लेके आज समाधान दिवस पर आए हुए हैं? सार्वजनिक रास्ते में अतिक्रमण किया गया है, उसके लिए हम 4 साल से प्रयास कर रहे हैं, निस्तारण नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। तो आज आपने प्रार्थना पत्र दिया, तो क्या क्या बताए, क्या मामले? प्रार्थना पत्र दिए हैं साहब को, पीपर दो थाना को आदेश दिए देखा। मेरा नाम है काशीराम, आवास कॉलोनी में, जिसपे अवैध रूप से कब्जा है लोगों का, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में इसी खास का लेते हुए वहाँ पर एसडीएम और संबंधित थाना के साथ जाएगी, मौके पर जाएगी और कोई शिकायत है तो उसको जमानत कार्रवाई करेगी।
आज तहसील जीवन में कितने मामले आए हैं और कितने निपटारे किए गए? आज जनपद के हमारी सभी तहसीलों में जो है संकट समाधान व्यवस्था आयोजित किया गया है और हमारी अनुमति तहसील है वहाँ पर मेरे द्वारा किया गया है। इसमें कुल हमारे 108 मामले आए हैं, जिसमें अधिकतर जो शिकायतें हमारे गाँव में जो चकमार पर कब्जा या सरकारी भूमि कब्जा आपसी विवाद इत्यादि है जो कि हमारे राजस्व पुलिस से संबंधित है। इसके अतिरिक्त हमारी कुछ शिकायतें जिला पुलिस अधिकारी की, कुछ शिकायतें हमारी विधि विभाग अधिकारी की, सभी शिकायतों पर समय के अंतर्गत निष्पादन किया जाएगा। सर, जामो का एक मामला है, समिति में भी वो मामला उठाया था और काफी अनियमितता का मामला है, बलवत तत्व का, क्या है वो पूरा मामला और क्या देखिए शासन के द्वारा एक कमेटी गठित है, उसके द्वारा उसका निरीक्षण भी किया गया है क्योंकि प्रकरण जो है वो शासन द्वारा नामित कमेटी द्वारा उसकी जाँच की जा रही है, इसका जिला स्तर से कोई कमेंट करना उचित नहीं है।